हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई गोल्डी, आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग है कि कल मेरे बड़े लड़के का बर्थडे है, कल वो 8 साल का हो जाएगा, उसका नाम है रुद्राक्ष। तो वो बर्थडे गिफ्ट बोल रहा है, तो उसको बर्थडे गिफ्ट में हमने सोचा है कि साइकिल बोल रहा था, तो साइकिल दिलाने जाना है। तो मैं अब जिम से फ्री होके घर आया हूँ, अब मैं पहले थोड़ा लंच कर लेता हूँ, लंच के बाद उसके लिए साइकिल खरीदने जा रहा हूँ। पर साइकिल की क्या हुआ कि उसने अपनी बुआ से जिद कर दी, जो मेरे बड़े वाली सिस्टर है रेनू, तो उससे जिद कर दी। तो वो बोली कि भाई साइकिल मेरी तरफ से है, पहले तो मैं दिला रहा था, पर अब वो जिद करने लगी कि भाई साइकिल की पैसे मैं दूंगी, बस कितने की आओ, 4 की 5 की 6 की। तो जो मेरी बड़ी बहन है, तो उसकी बुआ लगी, तो वो उसको पेमेंट देगी उस साइकिल की। तो मैं अब घर आ गया हूँ, तो अब घर से मैं लंच करके और वाइफ को साथ ले जाऊँगा, तो इसके लिए मैं साइकिल लेने जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पहले मैं लंच कर लूँ। अब मैं घर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, फिर मैं अब लंच कर लेता हूँ, लंच करके फिर निकलते हैं हम। हाँ आरती, चल फिर इसके लिए साइकिल लेने चले, लंच कर लेते हैं पहले। अब ये पेमेंट तो हमने तो देनी नहीं, इसकी बुआ जीत कर रही है, इसकी बुआ का ज़्यादा लगाव है भाई, जो मेरी बड़े वाली सिस्टर है, तो वो बोली कि भाई मैं दूंगी पेमेंट। तो हम एक बार लंच करके फिर जाते हैं साइकिल लेने के लिए, मिलते हैं, पहले लंच कर लेते हैं। क्या बनाया है लंच में? कड़ी चावल। वाओ, माय फेवरेट डिश कड़ी चावल। दोस्तों अब हमारा लंच आ चुका है, अब हम लंच करके कड़ी चावल जिसको खाने आ जाओ भाई, मेरी वाइफ बहुत अच्छे कड़ी बनाती है, कभी ट्राई करवाऊंगा, जो घर पे आएगा तो ट्राई भी करवाऊंगा। चलो अब हम लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब दोस्तों लंच हो गया है, बस मेरी वाइफ भी कर लेते हैं लंच, फिर चले भाई। उसने बताया तो नहीं ना अभी, ठीक है, उसने बुला लियो उसको, एक बार देखते हैं उसका कैसा मन होता है। हाँ भाई, छोरे के है तू, यो अच्छा हीरो है भाई यो। चलो अभी मिलते हैं, अभी उसके रिएक्शन देखते हैं बड़े वाले लड़के के, जब उसको हम बताएंगे कि भाई, अभी उसको हमने बताया नहीं है, तो वो कह तो रहा था, पर अभी उसको हमने कुछ बताया नहीं है। तो मैं पहले तो यही सोच रहा था कि यार उसके पेपर ख़त्म हो जाए, पर कोई नहीं, अब वो जिद कर रहा है, बर्थडे है। मैं, चलो बच्चों को इस चीज़ की तो होती है कि मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट आएगा, तो अब मैं उसको बताऊँगा बुला के, तो इसके देखते हैं रिएक्शन कैसे रिएक्शन होते हैं। हाँ आरती, खा लिया खाना? चले एक बार उसमें बुला ले, उसने देखे उसके रिएक्शन कैसे हैं, उसने बताया कोई है भी हमने साइकिल लेने जा रहे हैं। हेलो गाइस, के अच्छा कल क्या है तेरा? मेरा बर्थडे। कल कितने साल का हो जाएगा? 8। अच्छा, तने कपड़े गए थे, तेरे कपड़े आ गए ना? जूते भी आ गए। जूते भी आ गए, बस और कुछ तो नहीं चाहिए ना? अब तो हो गया ना, और तो कुछ नहीं। साइकिल है, साइकिल सुई का के करेगा साइकिल का? सारा दिन धक्के खाएगा गाड़ी में, नहीं। हाँ तू पढ़ता तो है नहीं, साइकिल का क्या करेगा? झूठ बोल रहे, मजाक कर रहे था इसका। तने अपनी बुआ से भी कही थी? हाँ। कौन सी बुआ से कही थी? बुआ। क्या कही थी? साइकिल लाए। फिर क्या बोली तेरी बुआ? तो तेरी बुआ का मेरे पास फोन आ गया, अब हम तेरे लिए साइकिल लेने जा रहे हैं, ठीक है? सच्ची में? हाँ सच्ची में। सच्ची? अपनी मम्मी से पूछ ले। सच्ची? बताओ। सच्ची लग रहा है, और कुछ बात में यकीन ना करता तो बताओ। मजाक था, प्रैंक। तेरे को प्रैंक कर रहे थे, कपड़े हाथ हो गए, क्या करेगा साइकिल? नहीं बता, क्या करेगा साइकिल का? सही है जी, अभी एग्जाम दे ले, ठीक है? नहीं, फिर पढ़ाई करेगा। हाँ ठीक है, लेने जा रहे हैं, तेरी बुआ का फोन आ गया मेरे। हाँ सच्ची में तेरी बुआ का फोन आ गया, कैसा महसूस हो रहा है तेरे को? अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी बुआ को थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू बुआ। हाँ चल ठीक है, चल भैया आरती। कौन सा साइकिल चाहिए? मुझे गियर।
गियर गार नहीं आवे, सिंपल साइकिल आओगी। देखते हैं पहले वहां जाके कौन सी कैसी, वो तो जाके देखेंगे कौन सी अच्छी है, उसके बाद देखेंगे। चल चले। अब दोस्तों हम घर से निकलते हैं साइकिल लेने के लिए। रेडी है भाई? चल चले। क्या सोच रहे, गाड़ी में ना जावा है, स्कूटी में चलेंगे? क्योंकि भाई गाड़ी में जाम बहुत है, तो अपना स्कूटी पे चलते हैं। अब हम स्कूटी से जा रहे हैं भाई, रास्ते में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी से तो यार बहुत जाम हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। और मेन बात तो ये है कि शहर में यार गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अगर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से गाड़ी को तो खड़ी कर जाते हैं, पर यार दूसरे लोग बाग दुखी होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी थोड़ा ट्रैफिक का पालन करना चाहिए यार, गाड़ियों पर क्यों लगा के खड़े हो चले जाते हो, और बेचारा दूसरा बंदा दुखी रहता है, बेचारे जो भाई बंद पुलिस वाले हैं वे भी दुखी रहते हैं, किसकी गाड़ी है किसकी नहीं। मैं साइकिल लेने के लिए आ गया हूँ। हाँ जो भाई देखते हैं साइकिल ले। भाई साइकिल लेने के लिए आए हैं, पहुंच गए हैं। ये देख लो, ये आशु साइकिल वाले की दुकान है। यहाँ कल बर्थडे है लड़के का, तो इसलिए उसके लिए साइकिल लेने आए हैं। हाँ अंदर भी है। कितना साइज ठीक है? अभी बता देंगे। अच्छा 8 साल का हो गया, तो इसी हिसाब से ले लेना कि 1-2 साल बाद उसके भी काम आ जावे, वंश के भी बैर आ जावे। और क्या तो वो तो रखी है, पर अभी इसके लिए थोड़ा नया। क्या हाल है भाई साहब? माँ आया था थोड़े दिन पहले, जो जिम की साइकिल वो लेके गया था सीट, तो मैं वो कह रहा था लड़के के लिए साइकिल के लिए, तो साइकिल दिखा दो एक बार। 8 साल का? हाँ हाँ। ये इतनी तो है, तो हैगी, इससे थोड़ी बड़ी हाइट ओके है उसकी, इसकी सीट बड़ी हो जाएगी, एडजस्टेबल होती है, क्लिक अपने हाथ में रहता है, क्लिक खोलो सीट को जहाँ मर्जी आप करते हो। हाँ ऊपर करनी हो नीचे करनी हो आप जहाँ मर्जी कर सकते हो। अच्छा बाकी ये तो सिंपल में है, ज्यादा हाई फाई चाहिए हो तो ऐसी अपनी है, जो पता हूँ ये गियर में। अच्छा हाँ गियर वाले कामयाबी कौन है पिछले में, ये ब्रेकों में फ्रंट में शॉकर आ गया इसमें। पहले इसमें इनबिल्ट हो जाती है जी। कितने की है ये? 75 का पड़ेगा जी, 7.5 का। अच्छा 4500 का था जो पहले आपको दिखा रहा था। ओके ओके प्लेन में बैंग वगैरह है इसमें, डिस्क आ गई, ये इनबिल्ट है, पूरी बॉडी में कोई स्टिकर नहीं है, ये फ्रंटलेस हो गया। नहीं रहने दो, ये बता दो लास्ट कितने तक की दोगे आप, ये लगा दो कोई न करवाओ, इसको रेडी करवा दो। अच्छा 4500 से स्टार्ट हो जाती है ये, सबसे बढ़िया क्वालिटी की है ये, 7500 की है। देख लो गाइस ये 7500 की लिए लड़के के लिए, बर्थडे गिफ्ट है उसका, करवाओ रेडी करवा दो भाई साहब इसको। ना वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, गाइस साइकिल रेडी हो चुकी है लड़के की, ठीक है ना साइकिल। तो इसको लेके कैसे चलेगी, रिक्शा में या तू चला के ले जाओगी? भाई
फाइनली हमने साइकिल ले ली है आशू भाई साहब से, इन्होंने बहुत बढ़िया साइकिल दी और हमको अच्छा गाइड्स किया। अगर आपको भी लेनी हो तो आप यहाँ बाजे चौक पर शॉप है आकर जो और जायज रेट पे देंगे, और साइकिल की गारंटी भी, आप कुछ दिक्कत भी होती है तो आगे ठीक भी करवा सकते हो, ये नहीं कि भैया मना कर देंगे। ये देखो बिल भी दिया है, ये देखो बिल भी दिया है। अच्छा भाई सभी के मॉर्निंग, अब हमने साइकिल ले लिया है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी वाइफ बैठ गई है रिक्शा के अंदर, अब साइकिल आप घर मिलते हैं, हम आपको घर दिखाते हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। अब हम दोस्तों घर पहुंच गए हैं, मेरी वाइफ आ रही है साइकिल को लेके रिक्शा में, वो आ ही गई। वो देखो साइकिल आ गई है मेरे भाई, ले आई आ गई, खोल दे भाई तारियो, रुक जा रुक जा, खुद उतार रहे हैं इन्हें, वापिस दियाओगे अगर इन्हें अच्छी नहीं लग रही तो। अच्छी है, गेर अभी गुड्डू नीचे उतर जाना, आ जाओ नीचे उतर जाओ, अभी भाई। जब हम घर आ गए हैं, साइकिल आपने देख ही ली, मेरी वाइफ ने भी चलाई, अब मेरा लड़का चला रहा है और मैंने भी चलाई। आपको कैसी लगी साइकिल कमेंट में बताना, कमेंट में जरूर बताना साइकिल कैसी लगी। स्कूटी ले रहे हो, साइकिल ही ले लो ताकि। अच्छा स्कूटी का अपना अलग मजा है, साइकिल का अपना अलग मजा है, तेल फूकने है क्यों एक बार बताओ ना, जहाँ हमें जाने में आधा घंटा लगता है स्कूटी पे अपना 10 से 15 मिनट पहुंच जाते हैं, तो ये भी तो देखना होता है, टाइम भी तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम को भी समझना है। तो आज हम व्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं, आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप कमेंट में बताना कि साइकिल कैसी लगी, क्योंकि ये इसकी बुआ ने दिलाई है, तो कल हम इसका केक कट करने वहीं जाएंगे इसकी बुआ के घर, बड़े वाली जो मेरी सिस्टर है रेनू। आप भी सोचते होंगे हर बार हम वहीं जाते हैं व्लॉग बनाते हैं, पर क्या करें, जहां ज्यादा लगाव और प्यार प्रेम मिलता है ना, इज्जत होती है, वहीं जाया जाता है। बच्चों भी ये और दिक्कत होगी क्या, एक का कुछ ले आते हैं तो दूसरा नाराज हो गया तो कोई नहीं, दूसरे का भी लाएंगे यार, जब जिसका जैसा टाइम आता है। वंश वंश इधर आ, इधर आ, बताए इनको क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए तेरे को, बंदूक चाहिए तो भाई इसके लिए भी बंदूक लाएंगे, अब इसका बर्थडे आएगा तो इसके लिए भी बंदूक लाएंगे, अब जैसे बड़े लड़के का बर्थडे था आपका तो हर रोज आता है ना कुछ ना कुछ, तो अब हम कल सिस्टर घर जाएंगे। अब हम व्लॉग को यहीं कंप्लीट करते हैं, बताओ भाई आ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बर्थडे वाले दिन, कल मेरे लड़के का बर्थडे है, ये कल 8 साल का हो जाएगा,
तो कल हम इसका बर्थडे केक इसकी बड़ी बुआ के घर, रेनू बुआ के घर काटेंगे, जो मेरी बड़ी सिस्टर है। उन्होंने हमें इनवाइट किया और कहा है कि इनका इसका बर्थडे मैं बनाऊंगी और वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो हम आपको मिलते हैं उनके घर, पर हम सुबह भी दिखाएंगे आपको कि हम सुबह कैसे, मैं सुबह उठ के कल जिम में भी जाऊंगा, क्योंकि यार मेरा वर्कआउट रह जाएगा अगर, क्योंकि वर्कआउट भी बहुत ज्यादा जरूरी है यार, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हाँ भाई गुड्डू भाई को विश करना, बर्थडे विश करना।